बात उस बड़ी खबर से जिसका आशुतोष आपने जिक्र किया, खबर झारखंड से जहां पर हेमंत सोरेन बोले सदन के भीतर उन्होंने कहा है, लेकिन अब इंतजार है विश्वास मत का उस नंबर का जो चंपई सोरेन के पास क्या है, ये सवाल है। थोड़ी ही देर बाद विश्वास मत पर वोटिंग होने वाली है, तमाम बड़े नेताओं का संबोधन भी हो चुका है, चंपई सोरेन बोल चुके हैं उनका बयान, हेमंत सोरेन भाषण दे चुके हैं, जो दोनों ही जमकर आदिवासी कार्ड खेलते हुए नजर आए, विपक्ष के नेता का भी भाषण हो चुका है और किसी भी समय आपसे ये विश्वास मत पर वोटिंग शुरू हो सकती है। हेमंत सोरेन भावुक भी नजर आए और कहा मुझे गिरफ्तार करने की लंबे समय से कोशिश की जा रही थी और मैं इस वक्त आंसू नहीं बहाऊंगा। मैं कहना चाहूंगा 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय, देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है, इकतीस तारीख रात को और इसी के साथ आपको बता दें कि वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है झारखंड में विश्वास मत को लेकर। विधानसभा से ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और शक्ति परीक्षण देखना होगा, इस प्रस्ताव पर वोटिंग शुरू हो चुकी है विधानसभा में, विश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरू। ये इम्तिहान है, परीक्षा की घड़ी है गठबंधन की सरकार की, चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन और कांग्रेस के उनके सहयोगी दल आरजेडी सभी, इसलिए विधायकों को दूर रखा गया था, हैदराबाद में सुरक्षित उनको वापस लाया गया। अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ईडी की कस्टडी में हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचे क्योंकि उनको कोर्ट से इजाजत मिली इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने के लिए, संबोधित भी किया उन्होंने और जमकर आदिवासी कार्ड खेला गया है। चंपई सोरेन ने भी बखान किया हेमंत सोरेन, उनकी सरकार का, हेमंत सोरेन ने निशाना साधा सत्ता पक्ष केंद्र पर और इसके पहले आदिवासी कार्ड खेले, लेकिन अब ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, चंपई सोरेन के विश्वास मत पर वोटिंग जारी है। वही आपको वहां से झारखंड विधानसभा से तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीधी कार्रवाई दिखा रहे हैं। कन्फर्म बता दिया तो 23 मिनट का देखिए भाषण भी हेमंत सोरेन ने दिया, केंद्र सरकार और भाजपा को तीखे लहजे में जवाब दिया, कहा कि देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया है, लगता है कि ये राजभवन इसमें शामिल रहा, जमीन हड़पने के कागज अगर आप दिखा दें तो मैं राजनीति क्या झारखंड भी छोड़ दूंगा। सत्यजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, आज देखिए ये जो परीक्षा है इसमें कौन पास कौन फेल, ये सारा गणित अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा। देखिए हाउस के अंदर घंटी बज चुकी है, स्पीकर ने कहा है कि उसके बाद अपने जगह पे खड़े होकर विधायक जो है समर्थन जताएंगे। देखिए घंटी बजना बंद हो गया है और अब कितना संख्या जो प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें और अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
निकले, कृपया आप लोग बैठ जाए। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। हो गया उधर, हो गया, आप लोग बैठ जाए, बैठ जाए। प्रस्ताव के पक्ष में 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा सत्याय का प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 2024 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। चंपई सोरेन सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। बड़ी खबर इस वक्त विधानसभा से, चंपई सोरेन सरकार के पास वो नंबर है, 47 वोट उनके पक्ष में पड़े हैं जबकि 29 वोट विपक्ष में। चंपई सरकार ने, चंपई सोरेन ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। जो नंबर उनके पास था वो सदन में भी उनके साथ रहा, तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। 47 वोट उनके समर्थन में पड़े हैं, हेमंत सोरेन भी वहां पर मौजूद रहे तो 47 वोट पक्ष में पड़े। फ्लोर टेस्ट में सोरेन, चंपई सोरेन पास हो गए हैं, तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आपको देते हैं, सदन की कार्यवाही अब स्थगित भी कर दी गई है। चंपई सोरेन ने विश्वास प्रस्ताव पास कर लिया है, नंबर उनके पास है, सहयोगी दलों को साथ में रखा गया था, रिसॉर्ट पॉलिटिक्स देखने को मिली, हैदराबाद विधायकों को भेजा गया, वापस मिलाया गया और अब फ्लोर टेस्ट में चंपई सोरेन सरकार पास हो गई है। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। चलिए सत्यजीत का रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, कैलकुलेशन जो था पहले उसी के मुताबिक 47 प्रस्ताव के पक्ष में और 29 विपक्ष में, यानी सब कुछ वही हुआ जो कि पहले से कैलकुलेटिव था। सत्यजीत, चलिए दोबारा हम रुक करेंगे, लेकिन यह बड़ी खबर इस वक्त जो फ्लोर टेस्ट हुआ, विश्वास मत हासिल कर लिया है चंपई सोरेन सरकार ने, 47 मत पड़े हैं इस प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। इसका मतलब सीधा यह होता है कि सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया, ये इस वक्त बड़ी खबर। फ्लोर टेस्ट में पास हो गए हैं चंपई सोरेन और गठबंधन की सरकार, और पहले से ही ये आंकड़े, इसी का अनुमान भी था कि 47 वोट पड़ेंगे और वो पड़ चुके हैं और 29 वोट विपक्ष में पड़े हैं। 47 मत प्राप्त हुए, प्रस्ताव के विपक्ष में 29
मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 6 फरवरी 47 मत प्राप्त हुए। प्रस्ताव के विपक्ष में 29 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार ये सभा वर्तमान मंत्री परिषद में विश्वास प्रकट करती है का प्रस्ताव पारित हुआ। 47 मत प्राप्त हुए।